मुरादाबाद रेलवे डिवीजन लगातार विकास के कार्यों को लेकर काम कर रहा है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि रेल संचालन में और बेहतर तरीके से काम हो सके, नए तरीकों से रेलवे को आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मुरादाबाद रेलवे डिवीजन मुरादाबाद के डिवीजन के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद से गाजियाबाद के बीच का जो क्षेत्र है और मुरादाबाद से रोजापुर सीतापुर का क्षेत्र है, सिग्नल का जिला उधर किया जा रहा है जिसमें ऑटोमेटिक सिग्नल की व्यवस्था है, उसको अपडेट करने का कार्य शुरू हो चुका है। देखा गया है कि सिग्नल की दूरी बहुत होती है जिससे अनेक समस्याएं होती हैं। ऐसे में सिग्नल ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे जिससे दूरियां खत्म होंगी और रेल संचालन में और बेहतर तरीके से काम होगा। मुरादाबाद से जो गाजियाबाद का सेक्शन है और फिर मुरादाबाद से रोजा होते हुए सीतापुर का सेक्शन है, इसमें ओवरऑल सिग्नल अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसमें हम लोग ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन की जो प्रणाली है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए काम चालू हो गया है। अलग अलग स्टेजेस पे है। इस वित्तीय वर्ष में 2024 के अंत तक जो हापुड़ से गाज़ियाबाद वाला सेक्शन है, बरेली से पीताम्बरपुर वाला सेक्शन है और रोज़ा से सीतापुर वाला सेक्शन है, उनके कुछ सेक्शन में डबल डिस्टेंट के सिग्नल काम के अलावा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के काम को पूरा कर लिया जाएगा। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन की प्रणाली से ज़्यादा गाड़ियों को एक पर्टिकुलर समय में सेक्शन में भेजा जा सकता है, जिसकी वजह से किन्हीं दो स्टेशनों के मध्य में एक गाड़ी के बजाय हम लोग ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं। तो ओवरऑल ज़्यादा गाड़ी चलाने की क्षमता और वर्तमान में जो गाड़ियों को डिटेंशन होता है, जो समय ज़्यादा लगता है, वो समय भी कम होने के लिए लगातार प्रयास किया गया है। जो इस समय वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें किस सेक्शन को लिया गया है? इस वित्तीय वर्ष में पूरे मुरादाबाद से गाज़ियाबाद और मुरादाबाद से सीतापुर सेक्शन को लिया गया है। इसमें जो टारगेटेड इसी पूरे सेक्शन के में हापुड़ से गाज़ियाबाद वाला रेलखंड, बरेली से पीताम्बरपुर और रोज़ा से सीतापुर के जो सब सेक्शन हैं, इनके पूरा होने की उम्मीद है। सर, कब तक माना जाएगा काम का पूरा कर लिया जाएगा? काम पूरा होते इस वित्तीय वर्ष में तो ये कुछ चिन्हित सेक्शन हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष के पहले दो क्वार्टर में हम उम्मीद करते हैं कि बाकी कार्य को भी पूरा कर लिया।